अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट न्यूज लाहौर स्टूडियो से मैं हूं अजरा मेहर। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। महंगाई कंट्रोल करने में नाकामी पर वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की छुट्टी। हमाद अजहर को वजारत खजाना का कलमदान सौंपा जाएगा। कप्तान की टीम ने तब्दीलियों में मशावरत मुकम्मल कर ली। आज शाम तक अहम ऐलान मुतवक्को। वजारत इत्तला'आत तवानाई एविएशन इक़्तिसादी अमूर और कश्मीर कमेटी में तब्दीली का इम्कान। कई वज़रा फारग होंगे तो कुछ नए चेहरे शामिल होंगे। हुकूमत ने तस्लीम कर लिया कि नाकाम पॉलिसियों से महंगाई आसमान पर पहुंच गई। हफीज शेख की बरतरफी पीडीएम की फतह है। बिलावल भुट्टो का रद्दअमल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि आईएमएफ वजीर के लिए सेंट में शिकस्त के बाद ओहदे पर रहना नामुमकिन हो गया था। वजीर दाखिला शेख रशीद का काबीना तब्दीलियों पर तबसरा। कहते हैं वजीर तो वजीर होता है जिस भी वजारत को चलाए। मेरी वजारत तब्दील नहीं हो रही लेकिन कप्तान जहां चाहेंगे वहां खेलने को तैयार हैं। शेख रशीद की अपोजिशन पर भी गोलाबारी। कहते हैं कि पीडीएम में नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हो चुकी हैं। खान के खिलाफ खड़े होने वाले लोग टाए टाए फिश हो गए। कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू। मुल्क की सूरत हाल संगीन होने लगी। सदर पाकिस्तान आरफ अलवी और वजीर दफा परवेज खटक भी कोरोना से मुतासिर हो गए। सदर पाकिस्तान की आवाम से एहतियाती तदबीर अख्तियार करने की अपील। साबक सदर आसफ अली जरदारी ने भी वैक्सीन लगवा ली। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 11% से तजावज कर गई। मोहलक वायरस से निपटने का प्लान। पंजाब में आउटडोर इंडोर तकरीबात पर 1 अप्रैल से मुकम्मल बंदी। रेस्टोरेंट पर सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। तमाम पार्क्स तहरीकी मकामात भी बंद रहेंगे। मेट्रो स्पीडो और ऑरेंज ट्रेन भी नहीं चलेगी। 12% से ज्यादा मुस्बत केसेस की शरह वाले जिला में लॉकडाउन 11 अप्रैल तक जारी रहेगा। सूबाई काबीना का ऐलान। वजीरे आला उस्मान मुजद्दार ने कहा कि माशी सरगर्मियों पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में एसओपीज के तहत काम जारी रहेगा। दुकानें शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। हफ्ता और इतवार को तमाम दुकानें मुकम्मल बंद रखी जाएंगी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। एतमाद चेहरे से नजर आता है, हर बाल शानों से सिरक जाता है जब बालों को कोई अपना छू जाता है। इस्लामी हेयर ऑयल विद एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ऑफ अर्गन ऑयल। लंबे स्याह चमकते रेशमी बाल कोकोनट मिल्क के कुदरती गुणों में रचा, सुच्चे कुदरती अज्जा से भरा इस्लामी हेयर ऑयल। हर बाल की जरूरत। ओरिजिनल प्रोडक्ट की पहचान। ट्रेडमार्क नंबर 40 64 63। इस्लामी हेयर ऑयल 55 ml में भी दस्तियाब है। लड़ते हाथों कांपते होठों बहकते आंसू लड़कड़ाती इल्तिजाओं आहों और सिसकियों से सजा रूहानी जमात शब-ए-बारात। इलाहाबाद जामिया मस्जिद हनफिया जवेरी मोहल्ला इस्लामपुरा में मुनक्कद, जिसका आगाज तिलावते कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से किया गया। उसके बाद मोहतरम हकीम मोहम्मद अबू बकर यासर अतारी ने रूहानी वजदानी खिताब किया। लोगों को शबे बरात के फजाइल बताए और आखिर में रो रो कर दुआएं की गई और नवाफल और अबादत का सिलसिला सारी रात जारी रहा। अब खबर शामिल करते हैं हरिपुर से। हरिपुर DSP ट्रैफिक मैडम निशाद गलानी का दरबंद अड्डा चाट का सुबह सवेरे का दौरा। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस और कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर अड्डा जात में दूर दराज इलाकों से आए ट्रांसपोर्टर्स और अड्डा मैनेजर्स को हदायत दी गई है। SOP पर अमल करने के साथ साथ ड्राइवर और मुसाफिरों में मास्क का इस्तेमाल जरूरी करार दिया गया। गाड़ियों में मुसाफिरों को फासले के साथ बैठने की हदायत दी गई। SOP की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का अंदिया दिया गया। अब खबर शामिल करते हैं लक्की मरवत से। लक्की मरवत की तहसील सराय नुराग में मुतअद्दिद खानदानों ने साफ पानी और गैस की अदम दस्तियाबी पर शदीद बर्मी का जहार करते हुए पोलियो मैम से बायकॉट का ऐलान किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं लक्की मरवत से हमारे नुमाइंदे शरीफुल्ला मरवत की इस रिपोर्ट में। सराय नवरंग में मोहल्ला कोटका परेड के मुतअद्दिद खानदानों ने पीने के साफ पानी और गैस की अदम दस्तियाबी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए पोलियो मुहिम से बायकॉट का ऐलान किया।
रोड ब्लॉक करने और एहतजाज पर मजबूर न किया जाए। अगर हमारे ये मसाइल हल नहीं होते तो पोलियो टीके, इसे तो पहले भी हम पे कह चुके हैं कि हमारा मुकम्मल बाइकाट है। ये फैसला हाजी दिलावर शाकुर ऋषि की क़ियादत में मुनक़द एक इजलास के दौरान किया, जिसमें बड़ी तादाद में अहले इलाके ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया को बताया कि इंतजामिया को कई बार दरख्वास्तें देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो हमें मसला पेश है अहम गैस और पानी का, इसके बारे में कई दफ़ा तब गाँव वाले इकट्ठे हो चुके हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उनके मुतालबात पूरे न किए गए तो खवातीन और बच्चों के हमरा सड़कों पर निकल आएंगे। कैमरामैन सफीरुल्लाह के साथ शरीफ। अब खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से। जड़ावाला के नवाही गांव में लोगों का जीना दुश्वार हो गया। चोर जब चाहे किसी की बैस चोरी कर ले, कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस में बस चेक नंबर 115 काबे में चोरी की वारदात। अल्लाह रखा जाट का कहना है कि रात 12 बजे के करीब मेरी बैस से चोरी हो गई। पुलिस को इतला देने के बावजूद कार्रवाई में नाकाम। नाज़रीन, मैं मोहम्मद तहसीम, तहसील जड़ावाला के नवाई गांव में चोरी की वारदात आम हो चुकी है। लोगों का जीना दो बार हो चुका है और जहां पर चोरी हो गई या जुल्म होगा तो बस न्यूज सबकी बात बन जाएगा। इसी सिलसिले में मैं चक नंबर 115 काबे में मौजूद हूँ। यहाँ के बशिंदे अपने जो उनकी सामान चोरी हुआ है वह उनके मतलब बताएंगे, आइए उनसे बात करते हैं। मझा सारिया चोर लै गए खोल के, गरीब बंदे आ जी, कोई पुलिस रे तावन नहीं किया है। चोर लगामा खुलिया जी, सारे डकेटी कर रहे हैं, वारदात कर रहे हैं रोड के उत्ते भी, घर चोरी का बहुत बाजार गर्म होया है जी। डकेटी चोरी बकरिया की मझा की सारी बहुत गर्म हुई है, करके कोई महकमा तावन नहीं कर रहा। रोज कोई तावन नहीं करता पुलिस ना कोई दूसरा तावन कर रहा। डकेटी 15 तक रोज डंगर खोल के लाए जाते, बकरे मझा। बच्चे निके निके दुध कितों पीवे हो, बच्चे कितों पढ़ावे। वजीरा वाला अगर दरखास्त की जाती है, लाया थाने वाले सारे दस के पुछे दसे उन्हें मझा वापस की कराई जा। वजीर आजम पंजाब नु अपील है जी, साडिया मझा का कुछ करे। रोज चोरी होंगी कोई नोटिस लवे, ना कुटिया कोई गल भी नहीं सुनता। थाने जाने भी कहते जाओ घर, हुकूमत के अपील आ साडिया मझा वापस लाभ देन। शामिल करते हैं कंगनपुर से। कंगनपुर में म्युनिसिपल कमेटी के वर्कर्स 2 माह से ना मिलने वाली तनख्वाह पर मजबूरन एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकल आए। शहर गंदगी से हट गया, सफाई ना करने पर हर तरफ कचरा ही कचरा। वर्कर्स का पंजाब हुकूमत से मुतालबा, हमें तनख्वाही दी जाए, घरों में चूल्हा जलाने के लिए खोटा सिक्का भी मौजूद नहीं। एक बार आपको फिर आगाह करते चले, कंगनपुर म्युनिसिपल कमेटी के वर्कर्स 2 माह से ना मिलने वाली तनख्वाह पर मजबूरन एहतजाज करने के लिए सड़कों पर निकल आए। शहर गंदगी से हट गया, सफाई ना करने पर हर तरफ कचरा ही कचरा। वर्कर्स का पंजाब हुकूमत से मुतालबा, हमें तनख्वाहें दी जाए, घर में चूल्हा जलाने के लिए खोटा सिक्का भी मौजूद नहीं। अब खबर शामिल करते हैं लाहौर से। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद तारक अब्बासी अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए। जस्टिस मोहम्मद तारक अब्बासी के एजाज में सादा पुरवकार रस्मी और अलविदाई तकरीब का इंतजाम किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम ने अलविदाई तकरीब में खुसूसी शिरकत की। अलविदाई तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज मोहम्मद अमीर भट्टी भी शरीक हुए। अलविदाई तकरीब में जस्टिस जात अली खान समेत दीगर फाजिल जजेस ने भी शिरकत की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान और चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने जस्टिस मोहम्मद अतारक अब्बासी को गुलदस्ता देकर रुखसत किया। जस्टिस मोहम्मद अतारक अब्बासी की रिटायरमेंट के बाद लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा जजेस की तादाद 38 रह गई है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstnewspakistan.tv और आप हमें यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं फर्स्ट न्यूज़ पाकिस्तान।